जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों से बात करूंगा टैप स्वैप के हवाले से। क्या ये रियल है, फेक है, ये हमें प्रॉफिट देगा नहीं देगा, तो डिटेल में आप दोस्तों से जो है मैं अपना नजरिया शेयर करूंगा। मेरी वीडियो आपने लाजमी देखनी है, नजरिया मेरा सुन लेना है। आप अपना भी नजरिया जो है आप यूज कर सकते हैं। अदर आप ग्रुप्स के अंदर ऐड होंगे, वहां पे भी लोगों ने आग लगाई हुई है। यूट्यूब पे देख ले, वहां पे भी आग लगी हुई है। तो हर बंदे की अपनी मर्जी है, जो उनकी समझ में आता है वो बोलते हैं। सिर्फ आपने मेरा नजरिया देख लेना है कि टैप स्वैप आपको प्रॉफिट देने वाला है या नहीं देने वाला, क्या ये आपके साथ स्कैम तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे टैप स्वैप की कुछ अपडेट्स जो है मेरे सामने आती हैं और मैं भी इनकी काफी सारी अपडेट्स देख रहा हूं। तो सब लोगों ने इसे स्कैम बोला और बिनांस ने इसको स्कैम बोला। किसी एक्सचेंज के साथ, किसी पार्टी के साथ इनकी जो है कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई इनकी फंड रेजिंग नहीं है, कुछ भी आपको जो है यहाँ पे शो नहीं होगा, किसी ने नहीं बताया। इनको फेम मिला है, इनके पास इतनी बड़ी 2 करोड़ की कम्युनिटी इनके पास कैसे पहुंची, सिर्फ नार्ड को इनको देख के। नार्ड को इनके फौरन बाद टैप स्वैप आ गया मार्केट के अंदर, लोगों ने देखा ओहो नार्ड को इन्हें इतना प्रॉफिट दिया टैप टैप करने पे, तो अब टैप स्वैप आ गया। इनको वहां से फेम मिला, इतना बड़ा फेम मिला कि ये जो है नार्ड को इनको भी मेरे ख्याल में क्रॉस कर गया। तो इतनी इनके पास कम्युनिटी आ गई है। अब जो है इन्होंने जो है जब बिनांस वालों ने इनको बोला कि ये स्कैम प्रोजेक्ट है, ये हमारे नाम पे जो है फेम ले रहा है, या सुलाना ने पावर्ड बाय सुलाना इन्होंने बोला हुआ था खुद को, उन्होंने इनको हटाया, तो इन्होंने जो है कुछ बिनांस वालों को कुछ पैसा पे करके जो है वहां पे एक अनाउंसमेंट आती है बिनांस वालों की तरफ से कि हम मास्टर टैप स्वैप और ब्लम ब्लम की बात इसमें आ गया, तो ब्लम को भी आपने मिस नहीं करना। उसके चंद दिन बचे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें बताया था। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ब्लम, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपने रेफरल लिंक भेजें, बाकी लोग जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो लिंक के थ्रू जाके अपना जो है अकाउंट बनाए और वहां पे वेट लिस्ट ज्वाइन करें। 1-2 दिन के अंदर जितना आप वहां पे जो है कलेक्ट कर सकते हैं अपने टोकन, वहां पे अपने ब्लम टोकन कलेक्ट कर लें। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये भी आपको प्रॉफिट देगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे चैनल के साथ, मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ जाएं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। जो भी प्रोजेक्ट आएगा ऑथेंटिक आएगा, हर न्यूज आप तक इजिली जो है ऑथेंटिक पहुंचेगी। अब टैप स्वैप हमारे साथ क्या करेगा, रिसेंटली जो है इन लोगों ने बोला था कि यहाँ पे हम 2x बूस्टर दे रहे हैं। यार अगर एक बंदे के पास 1 बिलियन टोकन पड़ा है तो वो 2x लगाता है, उसका तकरीबन पीकेआर की बात करें तो 2000-2500 तक यहां तक खर्चा आएगा 1 टोन का। वो 1 टोन वहां पे लगा देता है, 1 टोन लगाने के बाद जो है उसका 1 बिलियन टोकन 2 बिलियन में चला जाता है, तो ये नुकसान किसको है? एक अगर वो ले रहे हैं एक बंदे से, वो 2000 पे ले रहे हैं और एक बंदे को जो है 1 बिलियन टोकन उसको उसका रिवार्ड दे रहे हैं, तो नुकसान यहां पे आता है टैप स्वैप वालों का। और वो यहां पे सिर्फ जो है छोटे जो मेंबर है हमारे, जैसे एक ग्रुप एडमिन है उसके पास एक टीम है, वो टीम को शेयर करेगा कि हाफ टोन वाला जो है बूस्टर यहां पे लगा ले। मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने बोला था कि मुझे कुछ लोग तंग करें जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते जिन्होंने ऑनलाइन कुछ नहीं कमाया वो 1 रुपया भी ना लगाए, वो फ्री का वेट करें। फ्री में अगर ये प्रॉफिट देगा तो मैं आपको फ्री में जो यहां से विड्रॉ करवाऊंगा और आपके USDT सेल करवा के आपको पेमेंट करवाऊंगा। तो मैंने आप लोगों को, छोटे जो हैं जिन्होंने अभी तक पेमेंट जो है ऑनलाइन फ्री में नहीं कमाई, या कमाया तो थोड़ा कमाया, या वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कमाया भी है अच्छा खासा कमाया वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है आप 0.5 टोन या 1 टोन वाला 2x बूस्टर लें, या जो है आप अपना बैलेंस डबल वाला, अगर आपको अभी 10 टोकन मिलते हैं तो आप 0.5 वाला जो टोन आप उसमें पैकेज बाय करते हैं वो 10 की बजाय आपके 20 जो है कलेक्ट होंगे, 10 आपके माइनस होंगे, 10 एक्स्ट्रा आपको मिलते रहेंगे पर टैप के। तो मैं आपको दोबारा बोलूंगा, यहाँ पे आपने एक तो बूस्टर नहीं लगाना, अफोर्ड कर सकते हैं लगाएं, मैंने खुद भी लगाया हुआ है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको दोनों अपने बूस्टर जो है वो दिखाए थे, मैंने दोनों बूस्टर बाय किए, 1 टोन वाला भी 0.5 वाला भी, उसमें मेरा 4000 तक कोई एक्सपेंस आया था वो मैंने किया, ठीक है मैं अफोर्ड कर सकता था, ठीक है कोई मसला नहीं है। आप अगर नहीं कर सकते, आपने नहीं किया, अभी यहां पे बात आती है ये रियल है या स्कैम है। दोस्तों फिलहाल इनकी कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं हुई, इन्होंने फंड रेज नहीं किया, फंडिंग अपनी शो नहीं की कि इतनी हमारी फंडिंग है, तो ये अभी टीम से अपने जो इनके टीम मेंबर हैं उनसे जो है ये कलेक्ट करें 0.5 टोन, फिर 2x करने के लिए 1 टोन,
फिर ये 3x ये अपने x बढ़ाते जाएंगे, यहां से टीम से जो है ये जनरेट करते जाएंगे। मुझे तकरीबन 80% उम्मीद है ये प्रॉफिट जरूर देगा, लेकिन लोगों से कलेक्शन करके, जिन लोगों के पास टोकन कम पड़े हुए हैं, अब ये ऐसा रेट निकालें कि इसकी प्राइस जो आ जाए, पीकेआर की बात करें तो आधा रुपया या आधे रुपए से भी कम कुछ पैसों में ये अगर लिस्ट कर दें, और इनकी कन्वर्सेशन इसकी जो रेशियो आएगी वो ये बढ़ा दें 1 लाख टोकन पे 1 कॉइन कर दें, तो क्या बनेगा। नॉट क्वीन के पास फंडिंग भी थी, उनकी पार्टनरशिप भी थी, उनको बोला जा सकता है वो एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट था लिस्टिंग से पहले। टैप स्वैप को नहीं बोला जा सकता ये ऑथेंटिक प्रोजेक्ट, हाँ लिस्ट कर सकते हैं बिनांस पे अगर इनके पास फंडिंग आ जाती है कहीं से, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा कम्युनिटी है, कुछ लोग आ जाते हैं इसमें इन्वेस्टर, तो फिर जो है ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। अभी जो है आप इसके ऊपर ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, छोड़े भी ना, उम्मीदें भी ना लगाएं और छोड़े भी ना, वर्क भी करें, ये अल्लाह पे छोड़ दें आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूं इस पे आपने अमल करना है, ब्लम को आपने मिस नहीं करना, मीम फाइव को मिस नहीं करना, हमास्टर को मिस नहीं करना, सीड माइने गया है, हॉट वैलेट है, अच्छा इसके बाद पिक्सल वर्स है वो आपको दिए, किसी भी प्रोजेक्ट को हल्के में ना लो, बेशक टैप स्वैप ही क्यों नहीं है, बेशक इथीन ही क्यों नहीं है, किसी को हल्के में ना लो, मेहनत अपनी जारी रखो, वो जो हमारा नसीब होगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा, जितना हमें मिलना होगा मिल जाएगा, अगर लॉस होना होगा वो हो जाएगा, सिर्फ हम यहाँ पे वक्त दे रहे हैं, पैसा आपने नहीं देना। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो अगर वो पैसा लगाया करें ऑनलाइन फील्ड के अंदर, एक बात मेरी याद रखना, ऑनलाइन फील्ड में वो आपका पैसा लगना चाहिए जो अगर आपका वेस्ट भी हो जाए ना, तो आपको इतना सा जो है वो भी नहीं होना चाहिए कि यार मुझे लॉस हो गया। ये एक रूल है ऑनलाइन फील्ड का। ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपके पास $100 है तो $10 की ट्रेड लगाया करो, $100 है तो उसमें 50 की भी नहीं लगानी आपने। तो ट्रेडिंग वैसे मैं करता नहीं, इंशाल्लाह अगर की तो मैं आपको सारी जो है ट्यूटोरियल सारा कुछ आपको सिग्नल वगैरह वो दूंगा। फिलहाल जो आप जो आपको बताया जा रहा है ये आप करें, इंशाल्लाह आपको फ्री में जो है अच्छा खासा प्रॉफिट करवाऊंगा, और बहुत कुछ मैं आप लोगों के लिए जो सोच रहा हूँ ऑनलाइन फील्ड के लिए, फिजिकली भी मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। अगर कोई हो जाती है ऐसी सेटिंग जहां पे आपके सोर्स और आपका जो है जिसे पार्ट टाइम बोलते हैं या पैसिव इनकम बोलते हैं, वो अगर हो जाता है तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अपने साथ मिला लूंगा। फिजिकली भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह साथ रखने का इरादा रखता हूँ, ये वक्त के साथ है इंशाल्लाह। अगर वक्त ने चाहा और अल्लाह पाक ने साथ दिया और वक्त ने अच्छे लोगों ने जो है यहाँ पे हमारा साथ दिया, तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।